सुबह के मतलब बहुत ज़्यादा नींद में दिख रहा हूँ मैं। सुबह के 8 बज रहे, हम लोग निकलना था एक्चुअली 4 बजे बट अभी 8 बज रहे, सो 4 घंटे लेट निकल रहे हम लोग वापस मतलब अनंतागिरी के लिए। अभी फ़िलहाल मेहंदीपट्टनम में, तो यहाँ से 70 किलोमीटर से स्कूल डेढ़ घंटा लगता जाने। विनाशक लेके जाना है हम लोगों को, सनराइज़ के लिए जाने का प्लान था बट वो हुआ तो नहीं, ऐसा सो गए हम लोग। तो अभी उठ के फ्रेश होके निकल रहा एंड या चेंज माय आउटफिट। और सुबह सुबह की जो गर्म धूप रहती ना सर्दियों में, सो दैट इज़ दी अपडेट फॉर नाउ। एक्चुअली हम लोग 3 बजे उठ के मलाई बन खाने जाने का प्लान था नीलोफर पे, बट हम लोग उठे तो नहीं, सो गया। फाइनली जैसा देख सकते हैं बहुत सता लिया मतलब इन लोगों कल रात में मतलब हम लोग आए और एक क्लोज हो गया था, तो वापस हम लोग हैदराबाद जाके फिर अब भाई मतलब 11 बज रहे। नाश्ता वगैरह तो कर लिए, सो अब यहाँ से तो तुम लोगों को नहीं दिख रहा वॉच टावर ऊपर और वाटरफॉल भी है कहते हैं। सो टिकट्स ले लिए हम लोग, पर पर्सन 20 है और व्हीकल के लिए टू व्हीलर्स रहे तो आई थिंक 20 से शायद, फोर व्हीलर को 30 है। सो यप टिकट्स ले लिए, अब पूरा वहाँ तक ट्रैकिंग करके जाने का है। मिलना फोटोज लेने में बिजी है, इतनी खामोशी है, मतलब वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है, क्लाउडी क्लाउडी, तो मज़ा तो आने वाला है। अब मैं स्लिंग बैग डाल लेता हूँ, डाल ले के फिर जाएंगे अपन। ओके राइट, और मैं अच्छा हुआ मेरा मतलब स्वेटशर्ट में चेंज कर दिया ना, तो गर्मी में पक जाता हूँ, था ओवर ओवर गर्मी है भाई। तुम लोग हंसो नक को, मेरे को ना दूसरे गलत समझते, देखो तुम लोग आज हंसे तो सो अभी जो भी होना सब कुछ इसमें है, मतलब अगर समझ रहे हो ना। और मैं मेरा आउटफिट नहीं बताया ना, क्या रहता है फोटोज लेना, थोड़ा ट्रेकिंग करना, व्यू, खाली व्यू के वास्ते आए मालूम हम लोग आए यहाँ तक। एक्चुअली हम लोगों का नाइट में रिसोर्ट में रुकने का प्लान था मगर उन्हें अंदर ही जाने नहीं दिया हम लोगों को रात में, सो वी आर लाइक ठीक है वापस चल लेंगे, कल आएंगे, हाँ कल आएंगे बोल के आज फिर वापस आए हम लोग। आई थिंक यहाँ पे वाटरफॉल है, देख के स्लिपरी है यहाँ पे, लद्दाख का वाटर क्रॉसिंग। Stop it. Get some help. धूप निकल गई भी, आई थिंक मेरे फोरहेड पे दिख रहा होगा स्वेट, पर अभी मतलब धूप निकल गई, खतरनाक टैन होने वाले हम लोग, मतलब लाइक हाफ पेन क्या है, सनस्क्रीन भी लाना भूल गए, वाकई अब लगने वाले गर्मी में।
फोटोज लेने में बिजी है, मैं ब्लॉग बनाने में बिजी हूँ, मोमेंट को कोई भी इन्जॉय नहीं कर रहे हम लोग। सो मैं काम करता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, बात कम करता हूँ आप लोगों से, मैं मोमेंट इन्जॉय करता हूँ यहाँ पे इतनी दूर आए उसको। सो या अगर कुछ इंटरेस्टिंग अगर बोलना रहा तो बोलते हैं। तो कितना स्टीप है ये और ऊपर से पानी है पूरा, तो बहुत आहिस्ता से स्टेबल रह के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करते हुए चलना पड़ा रहा। मतलब अगर मैं ऐसा लिया समझो ये अब इतना स्टीप है। सो एनी वेस छुआ है तो इतना ज़बरदस्त दिख रहा, क्या व्यू है यार। मतलब एनी वेस लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रेकिंग दोनों को। अगर आप लोगों को दिख रहा तो यहाँ पे आगे विंडमिल से आई थिंक दिख रहा हो। एज यू गाइस कैन सी वी हैव रीच्ड द व्यू पॉइंट ऑफ लाइक एक्चुअल अनंतागिरी हिल्स। तो ये पूरा जो भी दिख रहा अनंतागिरी हिल्स है और आई थिंक 2 किलोमीटर्स का ट्रैक था मे बी, अब कैलकुलेट तो पता नहीं कौन करे। हमारे वाले साहब प्लेन ला रहे बच्चों को गर्मी हो रही है बल्कि। हाँ कामरान भाई के वाले साहब प्लेन ला रहे हैं हेड लैंड करते हैं एंड दिखने से तो पूरा स्विट्जरलैंड दिख रहा है वाले। वही फोटोज लेना और यहाँ के बारे में हिस्ट्री मालूम है सूत्र पे। आगे बोलना नहीं पता, बता 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 भाई 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 मेरा भाई बता 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 बता। अब दैट्स इट, अब हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। वॉच टावर किधर है आई थिंक ये साइड ये पहाड़ों के पीछे होगा इधर कहीं तो अभी, सो वो देखना है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कवर कर लिया, इतना जबरदस्त वेदर है आपका। तो अभी हम लोग मैं और शाहनवाज वहाँ तक वहाँ पे जाके देखते, शायद वहाँ पे वॉच टावर होगा तो देख के उन लोग तो अभी नहीं आते बोल रहे लेंस पे लग गया। तो मैं और शाहनवाज जाके वहाँ पे देखते, अगर वॉच टावर रहा तो उन लोगों को बुलाते। हाँ पूरे बालों के चाहिए मेरे ना। तो अभी हम लोग जाके देख के अगर रहा तो उन तीनों को बुलाते। शान चलो चलो चलो, मज़ा तो बहुत आ रहा हम लोगों को फोटोज़ वगैरह लेके। अब वेदर ज़बरदस्त हो गया, देखो कहीं कहीं धूप है कहीं छाँव है, क्लाउड्स हम लोगों पे मेहरबान होके सूरज को छुपा दिया थोड़ी देर के लिए, अब पता नहीं कितनी देर के लिए रहता, फिर धूप आ रही फिर छाँव आ रही। तो यार थोड़ी गर्मी ह्यूमिडिटी है बट मज़ा आ रहा। वापस जा रहे हैं हम लोगों को वॉच टावर तो नहीं मिला क्योंकि उधर वापस ब्लॉक है रास्ता। पता नहीं इन लोग मतलब डायरेक्शंस यहाँ पे नहीं है, इन लोग बोले भी नहीं डायरेक्शंस, बस क्योंकि ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है यहाँ पे, तो बस हम लोगों को पाथ देख के जहाँ पर भी लाइक वे दिख रहा वही फॉलो करते हुए जाना है, बट उधर तो ब्लॉक दिख रहा। सो हम लोग वापस जा रहे हैं अब आई थिंक टू, मैं जैसा बोला टू या टू एंड हाफ किलोमीटर्स का ट्रैक है,
बट एक घंटा लग गया हम लोगों को करने, मतलब ऑब्वियसली हम लोग बीच में रुके थे, ब्रेक्स लिए, फोटोज लिए, सो या, बट गर्मी है लेकिन थकान नहीं हो रही, वो एक अच्छी बात है। और मैं क्या एक्सपीरियंस करा बोलता हूँ, ट्रैक करते वक्त कि मेरे को नहीं देख सक रहे होंगे, पूरा ब्लैक हो जा रहा, अगर ट्रैकिंग करते हुए नॉर्मली चले तो पैरों में ज़्यादा एग्जर्शन फील होता, मतलब ज़्यादा पैर थक जाते, बट अगर टाइम पास करते हुए इधर उधर कूदते हुए चले तो उतना बॉडी को, लाइक बॉडी पे टोटल लोड गिरता तो पैरों पे उतना इफेक्ट नहीं गिरता, तो उसकी वजह से ज़्यादा देर तक चल सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब किसी और को कुछ और ट्रिक्स रहते, टेक्निक्स रहते, सो अब बट लेग वर्कआउट अब काम में आता, मतलब पैरों में ज़रा भी फील नहीं होता लेग वर्कआउट करने के बाद, मतलब 100 to 200 स्क्वाट्स करने के बाद ये तो कुछ भी नहीं दिखता, वो जो पेन रहता ये तो उसके करीब भी नहीं आता, मतलब बस वॉकिंग। सो यप, अभी मेरा फ़ोन ओवर हीटिंग बता रहा, सो मैं इसको अंदर रख दूँ, वेट कर रहे थे ना जब से हमारा मलिक भाई, तो मैं फ़ोन अंदर रख दूँ, वापस तो वही सेम रूट है, सो हम लोगों का वाटरफॉल के पास थोड़ी देर बैठने का प्लान है, तो वहीं चालू कर दूँ मैं अब। सो यप, बट क्लाउड्स जो दिख रहे ना यहाँ पे, और बहुत नीचे दिख रहे क्लाउड्स, इल्यूजन है ऑब्वियसली, और शायद नीचे होंगे भी क्योंकि हम लोग हाइट पे है। सो हम लोग वहाँ से वापस आ गए और नीचे यहाँ पे वाटरफॉल है, तो इलाम आप बोल रहे पैरान डाल के बैठते बोल के, सो वी आर लाइक ओके चलो, मालिक यहाँ से उतरेंगे ना, अगर मैं गिरा तो सीधा कैमरे पे कैप्चर होता। जब भी बोला इन लोगों को जूते नक्को निकालो बोल के, और फिर वापस जूते पहन रहे, मलिक उन लोगों को तो डर लग रहा आने, मतलब ज़बरदस्त दिख रहा, छोटा है वाटरफॉल बट अच्छा है, मानसून में और ज़बरदस्त दिखता। सेम ड्रेस कोड डाल ले क्या, देखे तुमने? हाँ, 2:15 हो रहा, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ से वापस तो आ गए, वी आर गोइंग बैक टू पार्किंग, अभी वापस हम लोगों को मतलब मेहंदीपट्टनम तक जाना है। सो इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब भाई पूरे डोरा खोल के कार में इतनी गर्मी है, यकीन है मानते, पूरे डोरा खोल के गाने बजा रहे लोग। सो अभी इसके बाद का प्लान तो सिंपल है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही भी आ रही, इसके बाद का प्लान सिंपल है हम लोगों का, यहाँ से सीधा हम लोगों को जाना है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आई थिंक डिनर वहाँ करते या ऑलिव परिस्तों में करते नहीं मालूम, और मतलब पूरी कार खोल के बजा रहे लोग। वाटर बॉटल लेके नहीं निकले थे तो क्या चाय बंग कैफे है यहाँ पे रुक गए, मगर क्या लेना समझ में नहीं आ रहा किसको, मैं तो ब्लू ओशन मुझे तो ऑर्डर करा, तो इन लोग वो टेस्ट करके वापस दूसरे ऑर्डर करते बोल रहे, सो लेट्स सी कैसा है यहाँ का भी टेस्ट, मगर यहाँ की वाइब अच्छी है बहुत ज़बरदस्त। ले रहे क्या क्या कि समोसे स्टिंग, मैं तो ये ले लिया, टेस्ट अच्छा है। तो अगर इधर साइड आ रहे विकाराबाद के साइड तो चाय बंग कैफे है बीच में रोड पे दिख जाता, और इन ज़बरदस्त कंटेनर्स को बना के रख दिए, तो स्टार्टअप ज़बरदस्त आइडिया है, तो विशानावास को यहाँ पे थम्सअप नहीं मिला, तो थम्सअप लेने उधर चले गए, और मैं यहाँ पे टेंट में आके बैठा क्योंकि धूप
बहुत ज़्यादा है, क्लाउड्स अच्छे, स्काई पूरा ब्लू है, बट धूप बहुत है। सो यार शाहनवाज को मिल गया था हमसे हल्का। वहाँ थंडरिंग हो रही, मेरी फेवरेट कार मेरे बाजू में ठहरी, बट कुछ भी नहीं कर सकता मैं। नाइन थर्टी और आ टाइम, और हम लोग वहाँ करेंटली है कपिल टावर्स। सो मलिक भी अंदर इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का, सो विल जस्ट गो इन। ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब रात के 8 बजे, सॉरी रात के 11 बज रहे, 11 11, रात के 11 बजे भी 3 किलोमीटर को 22 मिनट्स बता रहा है ना। इतनी ट्रैफिक है 11 बजे रात को, ऑब्वियसली आज वीकेंड है तो मतलब हद हो जाती भाई, ये भी हद है यार, मतलब ये ट्रैफिक का मैं उतरगा कार में से। अभी टाइम हो रहा है अभी 11:30 कुछ नाइट के, और हम लोग आए हैं टाइम बंड पे। इतनी ज़्यादा पब्लिक मैं टाइम बंड पे पहली बार देख रहा हूँ, आई थिंक विसर्जन है इन लोगों का। तो एनीवेज यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, और आई विल सी माय नेक्स्ट वन, अंटिल देन बाय। हाँ, हम लोग यहाँ से अब वापस घर जाने वाले हैं, मतलब कामारेड्डी, फिर उसके बाद सुबह हम लोग घर जाने वाले हैं। सो हम लोग आई थिंक 3 बजे से, तो वही मतलब कुछ भी नहीं रहता रोड पे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो बता दो, नहीं तो फिर देखेंगे जो भी हो रहा। भैया स्लो कर लो भैया।